Amoli, Yana. ये अमोली है। आज से तुम्हारी सारी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखेगी, तुम्हारी मदद करेगी, जैसे गंगा करती थी। छोटी माँ, अब हम चलते हैं। वो क्या है ना, सारे मेहमान अब आते होंगे और उनके खाने पीने का इंतजाम भी तो करना है ना। माँ आप भी चलिए ना, सारा काम भी बाकी है, तुम जाओ हम आते हैं। और अंकिता जल्दी से तैयार होकर आना, सब आते होंगे। ओ, 10 काम है हमारे पास, लेकिन सबसे पहले हम तुम्हें ये साड़ी अच्छी तरह से पहना दे। मुझे दीजिए, मैं साड़ी पहना देती हूँ, मुझे आता है साड़ी पहनाना। अच्छी बात है, तुम ये काम करो, हम नीचे जाकर देख कर आते हैं। किसी बात की चिंता मत करना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। साड़ी पहना देती हूँ। चलो। बढ़िया बहू, तुम मुझे वहां बार बार कोने क्यों मारी जा रही थी? माँ जी, आपको अंकिता के सामने वो सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? हमें सबको पता है, हर महीने हमारे घर में परेड लगी रहती है, हर महीने एक नया परिवार आता है, हम हमेशा की तरह तैयार होकर उनके सामने चले जाते हैं, उन्हें घर घर के लोग सब पसंद आते, मगर अंकिता ही उन्हें पसंद नहीं आती, जिसे वो देखने आते। वही तो, मैं भी तो वही कहने की कोशिश कर रही थी, पर तुम मुझे रोक क्यों रही थी? माँ जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, मगर वक्त गलत। जब आप सही बात सही वक्त पर करो तभी तो इसका मजा है ना। अच्छा अच्छा, इसीलिए तुम मुझे बार बार वहाँ कोने मार के रोक रही थी, लेकिन अगर तुम मुझे बोल देती ना तो मैं चुप हो जाती। माँ जी, आपके कहने का मतलब ये है कि उन सब के सामने मैं आपको ये कहती, माँ जी अभी अब तक मत कहिए, क्योंकि सब लोग हैं और ये सही वक्त नहीं है। अगर कह दी थी तो क्या हो जाता? हम जानते हैं अंकिता के लिए आपको कितनी चिंता लगी रहती है, आप जाइए उसके पास, उसे हिम्मत दीजिए, उसका साहस बढ़ाइए, और साथ ही में ईश्वर से प्रार्थना भी कीजिए कि कोई उसकी अंदर की सुंदरता को परख ले, वो शादी के लिए हाँ कह दे, क्योंकि अंदर की सुंदरता